हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोग हमेशा ही मलाई जमा करके घी ज़रूर निकालते होंगे घर में। तो जब हम मलाई निकाल के जब उससे घी निकाल लेते हैं तो जो ये बचता है जो उसका कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर ही करते होंगे। तो मैंने भी सारी मलाई से पूरा घी देखो निकाल लिया है। उसके बाद हम इसका एक रेसिपी बनाएंगे। तो उसके लिए हम पहले थोड़ा सा आटा उसको भूंज लेंगे। तो हम इसे मीडियम आंच में भूंजेंगे। थोड़ा इसमें खुशबू आने लगे एकदम सोंधा सोंधा तब तक हम इसे भूंजेंगे। तो हम आटा देखो हमने आटा भूंज लिया है। अब हम एक कटोरी में थोड़ा सा अदरक जो कच्ची अदरक होती है ना उसको हम कद्दूकस कर लेंगे और एक बड़े से टुकड़े अदरक को कद्दूकस कर लेंगे और हल्दी भी कद्दूकस कर लेंगे। कच्ची वाली हल्दी होती है जो उसको कद्दूकस कर लेंगे। अब हम जो हमने घी निकालने के बाद जो बैटर बचता है उसके अंदर हम इसको डाल देंगे क्योंकि अभी इसमें बहुत सारा घी बचा हुआ है। हम पूरा घी नहीं निकालेंगे, उसमें थोड़ा सा घी बचा लेंगे। समझ लो ये घी से निकला हुआ खोया है। देखिए इसमें कितना सारा घी है ना अभी, क्योंकि जब हम घी निकालते हैं तो इसमें और थोड़ा सा घी हम इसमें बचा लेंगे ताकि जो भी हम इसमें बनाएं जो भी रेसिपी इसमें बनाएं तो उसमें हमें घी ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो फिर हमने इसमें एक कटोरी भर के हमने थोड़ी सी अलसी जो हमने भून ली थी, भूनने के बाद उसे हमने मिक्सर में पीस लिया है। तो एक कटोरी के करीब हमने इसमें अलसी डाल दी है भूनी हुई, भूंज कर हमने पीस लिया था। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तो उसको हमने देखो ये हमने ले लिया है, आपके पास जो भी हो वो ले लें और जो भी इसमें कट करने के लिए हैं उन्हें हम काट लेंगे। जैसे कि बादाम है उसे हम काट लेंगे, थोड़ा सा लावा है उसको भी हम एक से दो कर लेंगे। इस तरह से हम ड्राई फ्रूट्स को काट लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे कट चुके हैं, अब इनको भी हम इसमें डाल देंगे। देखिए हमने जब इसको भूंजा और इसमें जो अलसी जब हमने भूंजा तो जो भी इसमें घी था वो और भी घी इसमें दिखाई देने लगा है। देखिए इसमें कितना सारा घी है। अब हम इसमें पहले डालेंगे गुड़। तो गुड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है, हमने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं ताकि ये जल्दी से गल जाए। तो हमने गुड़ इसमें डाल दिया है। समझ लो हमारे पास किस हिसाब से खोया बचा है घी निकाल कर उस हिसाब से हमें गुड़ अपने अंदाजे से डालना है। अगर कम है तो हम कम गुड़ डालेंगे, अगर हमारा खोया ज़्यादा है और हमें ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो हम इसमें ज़्यादा गुड़ डाल देंगे। अब तो फिर गुड़ डालने के बाद हम गैस को धीमा रखेंगे ताकि गुड़ जले तब नीचे देखो चिपके नहीं। अब इसको हम चलाएंगे, चलाते ही रहेंगे तब तक जब तक कि इसमें गुड़ गल ना जाए। देखो हमारा पूरा एकदम अच्छे से गुड़ गलने लगा है और ये देखिए और हमारा खोया और ज़्यादा हो गया है। वैसे आप लोग हमेशा ही जब भी घी जलाते होगे मलाई जलाकर जब घी निकालते होगे तो उस बैटर को कुछ ना कुछ तो आप उसका बनाते ही होंगे। आप अगर उसका कुछ भी बनाते हैं, जैसे कोई लोग बना लेते हैं उसकी टिकिया बना लेते हैं डाल के, कोई लोग उसमें शक्कर डाल के दे देते हैं बच्चों को खाने के लिए। तो आप लोग अगर चाहें तो ये जो हम बना रहे हैं अलसी का हलवा, अगर इसको आप बना लेंगे तो ये बहुत दिन तक आप बच्चों को दे सकते हैं और ये बहुत ही ठंडी में फ़ायदा भी करता है क्योंकि इसमें अलसी भी पड़ी है, हल्दी भी पड़ी है कच्ची और अदरक भी पड़ा हुआ है। तो ये ठंडी से इंसान को प्रोटेक्ट भी करता है हमको और ये हमें फ़ायदा भी करता है। जोड़ों के दर्द वर्द में भी ये बहुत फ़ायदा करता है और इससे ठंडी भी ज़्यादा नहीं लगती है इसको खाने से।
अब हमने जो हमने आटे को भून लिया था उस आटे को हम इसमें डालेंगे। जब हमारा पूरा गुड़ गल जाए तब इसमें हम आटे को ऐड करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा ही आटा इसमें डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे, ताकि हम चलाते रहें और आटा उसमें एकदम से मिक्स होता रहे। गुड़ डालने के बाद उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है मावे की। इसको गलने के बाद फिर हम उसके अंदर आटे को ऐड करेंगे और एकदम धीमी आंच कर लेंगे, और धीमी आंच में ही हम इसको इस तरह से चलाएंगे कि इसमें पूरा आटा एकदम गुड़ के चाशनी में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। गैस को हमें एकदम धीमी रखनी है, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा। तो इस तरह चलाते हुए हमको इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसको थोड़ी शाइनिंग देने के लिए हम इसमें ऊपर से और घी डाल देंगे। वैसे तो इसमें बहुत घी था, मगर अगर हम इसे ठंडी के लिए और इसको हम अपने फ़ायदे के लिए अगर बना रहे हैं और थोड़ा सा घी हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये और ही अच्छा और टेस्टी हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और डाल देंगे। वैसे आप चाहें तो बहुत सारा ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो ड्राई फ्रूट्स तो नुकसान करते ही नहीं है। ठंडी में वैसे भी ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, तो जितना भर भर के आप ड्राई फ्रूट्स डालेंगे उतना ही अच्छा और टेस्टी बनने वाला है ये। इसको चलाते हुए हम सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए पूरा जितना भी आटा था पूरा गुड़ चाशनी और मावे में एकदम मिक्स हो चुका है। तो देखिए हमारा एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है हल्दी और अलसी वाला हलवा। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो ठंडा होने के बाद आप चाहें तो इसका लड्डू भी बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है, ये दिखने में जितना अच्छा है उतना ही अच्छा और उससे ही ज़्यादा यह टेस्टी भी है। इसको आप चाहें तो इसी तरह किसी डब्बे में भर के रख लें, और चाहें तो इसके आप लड्डू भी बना कर रख सकते हैं। देखिए पूरा एकदम से पूरा बर्तन को एकदम से पूरा छोड़ दिया है हलवे ने, क्योंकि इसमें घी भी बहुत सारा था और हमने ऊपर से भी घी डाला था। दोस्तों आप भी अगर अगली बार घी को जलाएं, जब मलाई को और घी निकालें, तो आप ज़रूर इसे बनाने आप बनाएंगे तो आपको सही में बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए जिस तरह मैं बना रही हूँ, इस तरह चाहें तो आप लड्डू बना लें, और चाहें तो हम इसको एक डब्बे में भर के रख सकते हैं, और जब चाहे जब एक बर्तन में लें, कटोरी में लें और निकालें और खाएं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ, और आप अभी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे करें। तो देखिए हमारा हलवा तैयार हो गया है, एकदम टेस्टी हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़।